नागार्जुन की इस जबरदस्त फिल्म ने तोड़े साउथ फिल्मों के सारे रिकॉर्ड्स, हुआ बड़ा धमाका। दक्षिण भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता नागार्जुन की फिल्म वाइल्ड डॉग थिएटर में 2 अप्रैल को रिलीज हुई थी, किंतु कोरोना के कारण फिल्म अधिक वक्त तक थिएटर पर नहीं चली। हालांकि निर्माताओं ने फिर फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब अधिकांश फिल्में ओटीटी पर रिलीज की जा रही हैं। ओटीटी पर फिल्म को बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। फिल्म को प्रशंसक तथा क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज प्राप्त हुए हैं। फिल्म तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ तथा तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। वही इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत में ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में सम्मिलित है। नागार्जुन, दिया मिर्जा, सयामी खेर, अतुल कुलकर्णी स्टारर इस मूवी की कहानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताती है, जो एक मिशन पर निकलते हैं। मूवी में नागार्जुन विजय वर्मा की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि एक एनआईए के अधिकारी हैं। फिल्म में नागार्जुन को वाइल्ड डॉग ही कहा जाता है। फिल्म में दिया उनकी वाइफ की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म के निर्देशक किशोर सोलोमन के काम की बहुत प्रशंसा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार वाइल्ड डॉग ने साउथ फिल्मों के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म को कुछ ही दिन में मिलियन से अधिक व्यू काउंट प्राप्त हुए हैं। फिल्म का तमिल वर्जन भी 5वें नंबर पर है। थिएटर पर जब फिल्म रिलीज हुई थी तब वाइल्ड डॉग ने 6 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही नागार्जुन अकिनेनी इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग पूरी की है। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में नागार्जुन ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली है।